जी सिंड्रेला, मॉर्निंग से तुमने इतनी सारी वीडियो बना ली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर ही नहीं किया। जी हाँ, मैं समझ गई आप लोगों के बहुत सारे डाउट थे। सबसे पहले आप अपने क्रश को यहाँ से स्टॉक करते हो और उससे नोटिफिकेशन चला जाता है रिसेंट विजिटर पर। अब आपका ये सवाल है कि भाई सिंड्रेला, ये तो गलत बात हो गई। मतलब हम किसी को देखें और उसे पता चल जाए, मॉर्निंग इवनिंग नाइट हम उसे स्टॉक नहीं कर पा रहे हैं। और BGMI की ये सेटिंग जो पबजी मोबाइल में पहले थी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकॉग्निटो मोड को अगर आप अनेबल करते हो तो ये जो है डिसेबल हो जाता है। किसी के पास प्रूफ नहीं है क्या ये रियल है या फेक है, तुम ही बता दो। आपको बताया हर एक चीज का सलूशन सिंड्रेला के पास है। आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपको प्राइवेसी एंड पॉलिसी, ना प्राइवेसी एंड सोशल। यहाँ पर आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आएगा आपको, लेट मी फाइंड, या हियर वी गो, पर्सनल स्पेस इन कॉग्निटो मोड। सबसे पहले यहाँ पे इसको आपको अनेबल कर देना है, जस्ट बिकॉज ये आपके डिवाइस में डिसेबल है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम अपनी आईडी की यहाँ से जो है कॉपी कर लेते हैं, ये रही हमारी आईडी, और चलते हैं अपने फेक अकाउंट पे जहाँ से हम कभी कभार किसी को स्टॉक कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार पॉपुलैरिटी वगैरह देना पड़ता है ना, या फिर इवेंट वगैरह शो करते हैं बहुत पहले, तब मैं बनाई थी आईडी। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, इस आईडी में भी आपको जो है इनकॉग्निटो मोड अनेबल करना है, बिकॉज हम लाइव प्रूफ बताने वाले हैं ना। तो जी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर लेते हैं कट, इसकी आईडी को कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पर एरो के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, सेटिंग्स के ऑप्शन पर जाते हैं, प्राइवेसी एंड सोशल के ऑप्शन पर जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम ढूंढते हैं इनकॉग्निटो मोड कहाँ गया, यही कहीं तो था, लेट मी फाइंड, या ये रहा पर्सनल स्पेस इन कॉग्निटो मोड, हमने इसको अनेबल कर लिया। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, वरना आप कहोगे सिंड्रेला तुम फेक बता रही हो। ठीक है जी, ये आपके स्पेशल आपके लिए है, जो लोग यहाँ पर आके बिना वीडियोस देखे कह देते हैं फेक बता रही हूँ। अब देखिए जी, हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, इसकी आईडी को कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज इस आईडी को हम उस आईडी से स्टॉक करेंगे और इस आईडी को हम सिंड्रेला की आईडी से स्टॉक करेंगे। अच्छा जी, कुछ नहीं समझा ना, यही सिंड्रेला तुम्हारी आदत है घुमा फिरा कर चीज़ों को बातें करके अपने वॉच टाइम कंप्लीट करवा लेती हूँ। यार ये गलत है, एक तो इतनी मेहनत से वीडियोस बनाओ, लाइक आप करते नहीं हो, उसमें भी कंजूसी करते हो। सबसे पहले हमने ना ये आईडी को ओपन किया है, ठीक है, अपनी आईडी को, किस आईडी से, फेक आईडी से, यहाँ पर जो है हमने अपनी आईडी को ओपन किया है, ठीक है, ये हमारी न्यू आईडी अभी ओपन करी। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉग आउट करेंगे, बिकॉज इसमें अनेबल है इनकॉग्निटो मोड, आपके सामने मैंने अनेबल किया है, ठीक है, और हमने जो है अपनी मेन आईडी को यहाँ से देखा है। अब हम करेंगे अपनी मेन आईडी को लॉग इन और देखते हैं कि वहाँ रीसेंट वाले ऑप्शन पर नज़र आ रहा है या नहीं, जस्ट बिकॉज हमने इनकॉग्निटो मोड अनेबल किया था। तो आ चुके हैं हमारी रियल अकाउंट में, ठीक है, ये अपना रियल अकाउंट है। यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग्स में, ये वाले सेटिंग्स में नहीं, यहाँ पर जाना है प्रोफाइल में, पॉपुलैरिटी वाले सेक्शन में। यहाँ पर आने के बाद रीसेंट विजिटर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देखिए, उस आईडी से हमने अभी जस्ट आपके सामने स्टॉक किया है, आप टाइमिंग वगैरह सब कुछ देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर शो नहीं हुआ। एक मिनट, आपके और भी डाउट आ रहे हैं मन में, मैं समझ गई, ज़रा सफर करिए, ठीक है। तो इतना तो कन्फर्म हो गया कि इनकॉग्निटो मोड अनेबल कर लेते हैं और किसी की प्रोफाइल को स्टॉक करते हैं तो उसे नोटिफिकेशन नहीं जाता है। चलो भाई, थैंक गॉड सिंड्रेला तुमने बता दियो, मतलब फाइनली हमें पता तो चला इस बारे में। चलिए जी, इसके लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ से अपनी आईडी को स्टॉक करेंगे, उस वाली आईडी को, ठीक है। तो यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सिंड्रेला आईडी लिखी हुई है, ये वाली आईडी है। अच्छा जी, अब दोनों आईडीज में इनकॉग्निटो मोड अनेबल है, ठीक है ना, अनेबल है। तो अब लेट्स सी कि यहाँ पर जो है, मैं वापस से लॉग आउट करती हूँ, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इनकॉग्निटो मोड अनेबल है या नहीं। खैर, मैंने ऑलरेडी अनेबल कर लिया है, वापस डिसेबल नहीं किया है, हम इसको लॉगिन करते हैं। टाइमिंग वगैरह आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा इशू है कि कहीं तुमने टाइमिंग तो नहीं हटा दिया ना सिंड्रेला। नहीं जी, आप देख सकते हो, ठीक है, हम आ चुके हैं इस आईडी में। थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करते हैं, स्क्रोल डाउन, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया,
अरे क्या हो गया, क्या मतलब भाई, रिसेंट वहां से अनेबल है ना, तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब आपको ऐसा प्रूफ कोई भी नहीं देगा, मतलब रिसेंट विजिटर पे कोई है ही नहीं यहाँ पे। अब तो आपको ये भी नहीं होगा सिंड्रेला ने फेक बताया, बिकॉज आपके सामने आईडी अभी मैं चेक कर रही हूँ और वहां पर इनकॉग्निटो मोड अनेबल था, और अनेबल नहीं होता तो ऑब्वियसली शो करता यहाँ पर। तो आप समझ गए ना? हाँ समझ तो गए, थोड़ा घुमा फिरा करके बातें की, यही सीधे स्टार्टिंग में कह देती कि इनकॉग्निटो मोड एनेबल करना है तो इतना मसला नहीं होता। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में कहती तो आप एक बड़ा सा मैसेज लिख देते, यार ये फेक है, रियल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, वापस से हम इस वाली आईडी को स्टॉक करेंगे। मतलब क्या सिंड्रेला रात भर स्टॉक ही करना है अपनी आईडीज को? हमें कर लो स्टॉक, अपनी हमारी आईडी ले लो। खैर यहाँ पर आप देखिए, हम ओपन कर चुके हैं अपना रियल अकाउंट, वापस से एक लास्ट बार चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर जो है, यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शंस पे चलते हैं, प्राइवेसी एंड सोशल में चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकॉग्निटो मोड अनेबल है। ठीक, अब हम चलते हैं प्रोफाइल वाले सेक्शन में, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले जब हमने अनेबल किया था ना तो हमें शो नहीं किया था, फिर हम गए उसको डिसेबल कर दिए ना, अब शो कर रहा है। मतलब आपको क्लियरली समझ में आ गया ना? हाँ सिंड्रेला, बस अब तुम लिख के दे दो, एक काम कर दो, समझ में आ गया भाई। अब हम आराम से किसी की भी प्रोफाइल को स्टॉक कर सकते हैं, और इसका पूरा क्रेडिट तुम्हें जाता है, क्योंकि लाइव प्रूफ फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर तुमने बताया है। बाकी तो सारी बस कह दी अनेबल है एक का वीडियो कॉपी करके। तो वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर लाइक, और नहीं वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को नहीं वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसी बेसिक सेटिंग्स जानना है तो यहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर लीजिए। चलिए जी, गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।